पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट बढ़ गई है 31 मार्च 2023 से 30 जून 2023 हो गई है। आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक करने के लिए या फिर पहले से लिंक है या लिंक नहीं है ये देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। फिर उसके बाद लिखना है income tax.gov.in, income tax.gov.in। इस पर सबसे पहली साइड आएगी इनकम टैक्स, इसमें https://www.incometax.gov.in सबसे पहले वाली पे चले जाना है। फिर इसके बाद ये जो ऊपर 3 पॉइंट ऊपर कॉर्नर में 3 पॉइंट आते हैं यहाँ पर, ये डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जहाँ पर कर्सर है क्लिक लिंक, क्लिक लिंक के नीचे है ई वेरीफाई रिटर्न, इसके नीचे है लिंक आधार, तो यहाँ से होगा लिंक आधार, आधार पैन कार्ड लिंक हो जाएंगे। और यहाँ लिंक आधार स्टेटस, ये अगर आधार लिंक आपस में पहले से पैन कार्ड आधार एक दूसरे से लिंक हैं तो ये यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो वहाँ पर बता देगा कि ऑलरेडी पहले से ही वो लिंक है, और अगर लिंक नहीं होगा तो वहाँ पे बताएगा कि लिंक नहीं है। जैसे लिंक आधार स्टेटस पर जाएंगे, कुछ टाइम लगता है इसे लोडिंग होने में। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे और राइट में कॉर्नर में व्यू व्यू लिंक आधार स्टेटस, ये अभी इनेबल नहीं है। जैसे आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालोगे तो व्यू लिंक आधार स्टेटस इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो वहाँ बता देगा, अगर लिंक होगा तो आपका पहले से ऑलरेडी लिंक है, और अगर नहीं लिंक होगा तो बता देगा कि लिंक नहीं है। कैंसिल करके आप पीछे जा करके लिंक आधार ओपन करेंगे, फिर से लोडिंग में टाइम लगाएगा थोड़ा। इसमें यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ये डालने के बाद राइट में नीचे यहाँ पर वैलिडेट आएगा, ये इनेबल नहीं है। जैसे ही पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर फिल होगा वैसे ही वैलिडेट इनेबल हो जाएगा। वैलिडेट जाने के बाद आगे जो प्रोसेस होगी ये होगी एंटर डिटेल, एंटर डिटेल की प्रोसेस ये है, ये कंप्लीट हो जाएगी फिर ये लिंक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप तुरंत स्टेटस चेक करोगे तो ये तब शो नहीं होगा, तब ये भी बताएगा कि अभी लिंक नहीं हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम लगाता है। इसके 3 स्टेप हैं, एंटर डिटेल, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन जब हो जाएगा नेक्स्ट डे तब आपको स्टेटस चेक करना होगा। धन्यवाद।